अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सुमरन फ्रॉम सुमरन्स किचन डिलाइट। आज मैं आप लोगों के साथ चॉकलेट डच ट्रफल केक का सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ। आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आए। इस केक को बनाना बहुत ही इजी है। पहले मैंने प्लास्टिक बॉल में 200 ग्राम चॉकलेट प्रीमिक्स लिया है। अब इसमें हमें 100 ml वाटर ऐड करना है। इसके बाद 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल ऐड करके इसे बलून विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स करके इसका एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेना है। बैटर तैयार होने के बाद यहाँ पे मैंने 1/2 kg केक के लिए 6 इंच का मोल्ड लिया है, जिसको मैंने ऑयल और मैदे से डस्ट कर लिया है। अब इस बैटर को इस मोल्ड में डाल के 2-3 बार हल्के हाथों से टैप करके इसे ओवन में बेक करने के लिए रख देंगे। आप चाहे तो इसे कुकर में भी बेक कर सकते हैं। यहाँ पे ओवन का टेम्परेचर 160 डिग्री और टाइम 30-35 मिनट के लिए सेट कर देंगे। ट्रफल तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने मोडे कंपनी का डार्क कंपाउंड और अमूल फ्रेश क्रीम लिया है। 1/2 kg चॉकलेट केक बनाने के लिए हमें 200 ग्राम डार्क कंपाउंड लेना है। अब इसे बारीक टुकड़ों में कट कर लेना है। ये देखिए, हमारा चॉकलेट इस तरह से कट हो गया है। अब हमें इसमें 100 ml फ्रेश क्रीम लेना है। मैं स्केल की मदद से आपको दिखाऊंगी। 100 ml फ्रेश क्रीम लेना है। आप किसी भी मेजरिंग कप से 100 ml फ्रेश क्रीम ले सकते हैं। ट्रफल तैयार करने के लिए हमेशा एक बात ध्यान में रखें कि जितना चॉकलेट लिया है उससे हाफ हमें फ्रेश क्रीम लेना है। हमारा चॉकलेट स्पॉन्ज भी रेडी हो गया है। इसे हम नाइफ की मदद से इस तरह से चेक करके देखेंगे। ये देखिए, परफेक्ट। चॉकलेट और फ्रेश क्रीम जो तैयार किया था उसे ओवन में मेल्ट होने के लिए रख देंगे। टेम्परेचर 100 और इसका टाइम 15-20 मिनट के लिए सेट करना है। ये देखिए, इस तरह से चॉकलेट मेल्ट होने के बाद इसे हम एक स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। मेरे पास जो ये प्लास्टिक बॉल है वो माइक्रोवेव सेफ है। आप कोई भी प्लास्टिक बॉल ओवन में ना डालें। अगर वो माइक्रोवेव सेफ है तो ही उसे ओवन में रखना है, या फिर डबल बॉयलर की मदद से मेल्ट करेंगे। चॉकलेट स्पॉन्ज भी हमारा ठंडा हो गया है। अब इसे एक चाकू की मदद से डिमोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमें आहिस्ता से डिमोल्ड करना है। अब इसे हम चाकू की मदद से निशान लगा के धागे की मदद से कट कर लेंगे। इस स्पॉन्ज को हमें 3 लेयर में कट करना है। ये देखिए, हमारी पहली लेयर कट हो गई है। इस तरह से 3 लेयर करना है। अब यहाँ पे मैं बेस पे पहले ट्रफल लगा लूँगी। इसके बाद सबसे पहली लेयर रखनी है। अब इस पे दूध डालना है। आप चाहे तो शुगर सिरप भी डाल सकते हैं। अच्छे से साइड से इसमें हम दूध डालेंगे। इसके बाद हमें इस तरह से ट्रफल डाल के, ये देखिए, ट्रफल बिल्कुल लिक्विड में ही चाहिए। ज़्यादा थिक होने के बाद ये लगेगा नहीं केक पे। इसके लिए इस तरह से लूज होना चाहिए। अब सेकेंड लेयर रख के इस पे भी हमें दूध डालना है। अच्छे से दूध डाल देंगे और इसके बाद फिर ट्रफल डालना है इस पे। ट्रफल ज़्यादा थिक नहीं चाहिए। अगर थिक रहेगा तो उसे प्रॉब्लम होगी इस पे स्प्रेड करने के लिए। और इस तरह से थोड़ा डालना है, नहीं तो साइड से गिर सकता है। इस तरह से डाल के अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। अब इस पे हम तीसरी लेयर को दूध डाल के इसे उल्टा करके रख देंगे। उल्टा करके इसलिए रखना है कि फिनिशिंग देने के लिए अच्छा होता है। फिनिशिंग अच्छे से होती है इसमें। अब इसे उल्टा करके इसको बस फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। इस तरह से उल्टा करके रख के इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए रख देंगे। अब एक प्लेन स्क्रैपर की मदद से इस तरह से मैं साइड से ट्रफल लगाऊंगी। केक को हम अच्छे से ठंडा करेंगे तो ये ट्रफल अच्छे से लगता है, साइड से गिरता नहीं है। इसके लिए हमें केक को लेयर बाय लेयर लगा के इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देना है। इससे ट्रफल केक हमारा बिल्कुल अच्छे से क्रीम और फिनिशिंग भी मिलती है। इस तरह से ऊपर से डाल के भी इसे अच्छे से फिनिशिंग देंगे एक स्क्रैपर की मदद से। इस तरह से
केक जितना अच्छा ठंडा होगा उतना ही अच्छा इस पे ट्रफल लगता है। इस तरह से स्क्रैपर की मदद से अच्छे से इसे फिनिशिंग देंगे और जो साइड से क्रीम लगी होती है उसको साफ कर लेना है। अब इस पे डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ट्रफल को एक पाइपिंग बैग में स्टार नोजल डाल के उसमें क्रीम को डालना है। आप क्रीम देख सकते हो कितनी थिक है ये क्रीम, ये रूम टेम्परेचर पे ही थी और एक घंटे में इसका थिकनेस आप देख सकते हो इस तरह से हुआ है। इसे डिज़ाइन करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर क्रीम लूज़ रहेगी, ट्रफल लूज़ रहेगा तो डिज़ाइन अच्छे से नहीं होगी, वो साइड से गिर जाएगी। ये देखिए क्रीम कितना थिक है। अब मैं केक पे डिज़ाइन दिखाऊंगी बना के। इस तरह से ये रोज़ बना रही हूँ मैं, रोजेट, इसको रोजेट डिज़ाइन बोलते हैं। अब इसके बाद मैं अलग डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी। इस तरह से अलग अलग डिज़ाइन हम बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप केक पे डेकोरेशन कर सकते हो। इस तरह से डिज़ाइन बनाना है। अब इसको फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पे इस तरह से साइड से डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से डिज़ाइन बनाना है केक पे। इस तरह से डिज़ाइन बनाने से केक बिल्कुल बेकरी स्टाइल में दिखेगा। चॉकलेट डस्ट ट्रफल केक तैयार हो गया है हमारा। आप चाहे तो इसे इस तरह भी रख सकते हैं या फिर इसे अट्रैक्टिव और खूबसूरत दिखाने के लिए इस पे कलरफुल स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वाइट और ब्लू कलर के स्टार से इस पे डेकोरेशन करूँगी। आपको जैसा पसंद हो आप वैसे केक पे डिज़ाइन कर सकते हैं। इस केक को बनाना बहुत ही इजी है। आप इसे एक बार घर पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कैसा बना था कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए केक के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।